इसी मैं आमतौर पर ट्रॉलिंग नहीं करता, आई एम नॉट अ ट्रोल जो सोशल मीडिया पे करूं, लेकिन इस दफा भारत की मैंने की है। अच्छा, से अच्छा बात ये क्या कहा आपने उनको? इसी उनकी उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली जान पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने उनको? सी द फैक्ट इज दैट वी आर डीलिंग विद एन एनिमी व्हिच इज कंपल्सिव लायर्स। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान ने, हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आप कहेंगे ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश किया है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड, और सिर्फ मैं ही नहीं पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल, वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए। और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी कि दे वर फेक्स। कुछ हमारे नाज़रीन ज़ाहिर साहब ये कहेंगे कि ज़ाहिर साहब तो बस अब मुखालिफत ब्राय मुखालिफत कर रहे हैं। और मुझे एविडेंस दे ये। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल चले 1 in a million हम मान लेते हैं ये चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे हैं, ये फैक्चुअल मैटर है। उन्होंने अपनी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तबाह कर दिया था। वरना पाकिस्तान ने 1962 में रॉकेट भेजा था खला में, हम वी आर द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू सेंड अ रॉकेट इनटू स्पेस। Even we were ahead of China. We were ahead of China. साउथ कोरिया और चाइना पाकिस्तान में आके बटाला इंजीनियरिंग लाहौर में जाके देखा करते थे कि इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है। आप जर्मनी को कर्जे दे रहे थे, पाकिस्तान वॉज एन इंडस्ट्री। लेकिन माजी में तो अब नहीं रह सकते ना। वो अर्ज कर रहे हैं बात आपको, वी एक्सेप्ट दिस कि इंडिया इज हायर, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमसे ज्यादा है, वो $150 अरब की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, उनका स्पेस मिशन हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन क्या वो चांद पे लैंड किए हैं अभी मुझे इस पे डाउट है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में G7 में अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और इनफैक्ट इज गोइंग टू ब्लो अप ऑन देयर फेस बिकॉज मजाक इनका बनेगा, क्योंकि ये F-16 मार के गिराते हैं दुनिया में किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। इवन अमेरिकन ने भी कहा कि यार F-16 तो पूरे पाकिस्तान के पास, इन्होंने वीर चक्र दे दिया। मतलब द लेवल ऑफ डिसेप्शन दे क्रिएट इज एक्चुअली हिलेरियस। सो मून लैंडिंग इज ऑल्सो हिलेरियस स्टंट, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव। सो मैं इस पे ट्रोलिंग जरूर करूंगा, उनको मुबारकबाद डेफिनेटली नहीं दूंगा। ब्राइट न्यूज हिंदी एक हिंदी यूट्यूब न्यूज चैनल है। ब्राइट न्यूज हिंदी चैनल राजनीति, मनोरंजन, बॉलीवुड, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है। ब्राइट न्यूज हिंदी चैनल की लाइव खबरें एवं ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहे। धन्यवाद।